तो ये जो एक खुशी है और एक जोश और जज्बा जो है नौजवानों के अंदर, मुझे पूरा यकीन है हम मेहनत करेंगे, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे, जीत और हार का जो भी फैसला होगा वो अल्लाह के ऊपर छोड़ेंगे, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि औरंगाबाद के माहौल और औरंगाबाद के नौजवानों बुज़ुर्गों के अंदर जिस तरह की एक उम्मीद है, एक जोश है, तो उसे देखते हुए असद साहब इस बार अकेले पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाएंगे, ये तो तय हो चुका है। इंशाल्लाह महाराष्ट्र से भी उनको एक साथी मिलेगा, बिहार से भी एक साथी मिलेंगे। 2014 के अंदर जब मजलिस महाराष्ट्र के अंदर आई थी औरंगाबाद में, जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे, तो इस तरह का माहौल तैयार किया गया था कि ये एक फ़िरका परस्त पार्टी है, कम्यूनल पार्टी है, ये सिर्फ भाषणें देते हैं। लेकिन पिछले 4-4.5 सालों के अंदर हमने जो काम किया है, आज कितने सारे गैर कौम के लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लगातार जुड़ते जा रहे हैं। तो हम लोगों से यही कहना चाहते हैं कि हमेशा से ही जात धर्म मज़हब के नाम के ऊपर औरंगाबाद ने वोट देते आया है, इसलिए औरंगाबाद इतना पीछे रह गया है। अब एक बार कई सालों के बाद अपने शहर के लिए वोट दीजिएगा, मजलिस को वोट दीजिएगा, मुझे वोट दीजिएगा और देखिए हम शहर को कैसा बदलते हैं। बहुत सही बात है, बहुत अफसोस होता है ये बताते हुए कि महाराष्ट्र की 48 जो लोकसभा की सीटें हैं उसके अंदर कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत है, उसके बावजूद भी जो अपने आप को सेक्युलर पार्टियाँ कहती है, हम भाजपा से उम्मीद नहीं लगा सकते, उन्हें मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, शिवसेना का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहती है और ये दावा करती है कि मुसलमान हमेशा हमारे साथ रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि मुसलमानों ने सिर्फ आपको वोट देते रहना, आप एक सीट भी अगर नहीं दे सकते हैं, तो आज ये वक्त आया है इनके जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो लोग जो उन पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो हर मुसलमान ने अपने लीडर से ये पूछना चाहिए कि क्या मुसलमान 70 सालों से सिर्फ यही काम करते आ रहा है और आगे भी यही करता रहेगा कि हम वोट देते रहेंगे और सत्ता में तुम जाकर बैठेंगे। कम से कम ये जिम्मेदारी थी कांग्रेस और राष्ट्रवादी की कि एक एक सीट कम से कम वो देते और चुना कर भी लाने के लिए है तो वो जद्दोजहद करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, हकीकत यह है कि जब हमने बहुत ज़्यादा इस बात की मांग उठाई तो अकोला से कांग्रेस ने एक सीट डिक्लेयर करी है, लेकिन वो उनके पीछे इसके पीछे जो शरारत है, क्योंकि अकोला से भी प्रकाश अंबेडकर साहब इलेक्शन लड़ने वाले हैं, कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है कि अगर वो मुसलमान को टिकट देते हैं तो ना तो मुसलमान जीत सकता है और ना हमारा दलित भाई जीत सकता है, वो चाहते नहीं है कि ना तो मुसलमान जीत के आए और ना दलित जीत के आए। इस वजह से एक साजिश के तहत 2014 के अंदर जैसा खेल खेला गया था, प्रकाश अंबेडकर साहब को हराया गया था, कुछ उसी तरह का खेल अभी भी खेला गया है, उन्हें सिर्फ दिखाने के लिए चाहिए था कि हमने एक सीट दिए है, लेकिन ना तो वो आएंगे और ना प्रकाश अंबेडकर साहब वहाँ से आएंगे। इसलिए प्रकाश अंबेडकर साहब ने बहुत सही फैसला किया है कि शोलापुर से वो इलेक्शन लड़ेंगे और मजलिस पूरी ताकत लगाएंगी और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लीड से अगर कोई चुनकर आएंगे तो प्रकाश अंबेडकर साहब।